तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट जहां पे कर्सर रखे उसी का चार्ट शो हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके नीचे हमने एक पेस्ट किया और मैं मैन्युअली यहाँ पे वन लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज ऑफसेट। हमने नेम दिया रो नंबर वन, कॉलम नंबर जीरो दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। और जो 16 है जहां पे मैनुअली हमने वन दिया है उसको सेलेक्ट करके हम चारों तरफ इसको कर देते हैं ड्रैग। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट और इंसर्ट चार्ट लगा। तो ये चार्ट तो लग गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा चार्ट तभी दिखता है जब मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ। टू किया, दूसरा, तीन किया, तीसरा, क्योंकि ये ऑफसेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है। और मैं मत पूछिएगा कि ऑफसेट फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, वरना 7,500 रुपया फिर लग जाएगा आपका एडवांस एक्सेल सीखने में। हाँ तो ठीक है, ऑफिस बड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को, किसी सर, को दिक्कत? हाँ अरे मजाक कर रहा था, नहीं लूंगा पैसा। सर, नहीं सर, ओके प्रदीप जी, विकास जी, पवन जी। पवन जी को तो माइक ही नहीं ऑन किया था। आता है गुड सर मॉर्निंग एक सर, मिनट, यस। चलिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके चार्ट बना लिया। तो यहाँ पे नंबर डालने से ऑफसेट उसकी उस सीक्वेंस की वैल्यू यहाँ से पुट करके दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जहां पे कर्सर रखूं वहां की वैल्यू शो। ठीक है, तो इसके लिए हम सीट पे जाते हैं, मूव एंड कॉपी क्रिएट, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, गलत चला गया मैं, तो व्यू कोड में जाना, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। और यहां से सिलेक्शन चेंज, सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ टारगेट डॉट रो, क्योंकि मैं सिलेक्शन 2 और 13 के बीच में करना चाहता हूँ, तो बाकी से यहां क्लिक करूं तो नहीं होना चाहिए। इसलिए तो लिखा कि टारगेट डॉट रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड टारगेट डॉट रो इज लेस देन इक्वल टू 13 एंड टारगेट डॉट कॉलम इक्वल टू 1। टारगेट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ऊपर बाय वेल टारगेट डिफाइन हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसलिए। तो हमने कंडीशन दिया कि ऐसा होने पे ही वर्क हो, और मैंने बोला कि जहां पे क्लिक 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 होगा उसमें से एक कम, जैसे पूजा पे क्लिक किया तो पूजा का यहाँ 1 चाहिए, लेकिन पूजा का रोल नंबर क्या है, 2 है, एक माइनस कर देगा। तो यहां हम लिखते हैं रेंज, और क्या है सेल, सेल है आपका A16, A16 डॉट वैल्यू इक्वल टू टारगेट डॉट रो माइनस 1, और यहां पे करते हैं एंड इफ, क्या करते हैं एंड इफ, समझे? तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो 1 आ गया, जैसे यहाँ क्लिक करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 करूंगा 3 आ जाएगा, 4 करूंगा 4 आ जाएगा, 6। तो अब मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर रख दूं और थोड़ा सा डिजाइनिंग स्टाइलिश कर देता हूं, तो क्या होगा कि आप कर्सर रखते देख सकते हैं, समझ गए सर? ओके, इस टॉपिक किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलिए अगली टॉपिक की बात करते हैं। तो इवेंट चार्ट में हम बात कर रहे हैं, चार्ट के इवेंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग भी इंक्लूडेड है। तो अब एक नया टॉपिक हम यहाँ लेके आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1
और मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैन्युअली वन लिख के यहाँ पे ऑफसेट कर रहा हूँ। इस बार हम रो वाइज नहीं कलर वाइज कॉलम वाइज कर रहे हैं। तो रेफरेंस हमारा ए वन है, रो हमने 0 दे दिया, कॉलम हमने यहाँ 1 कर दिया। और नीचे ड्रैग करना है तो ए सेवन को करता हूँ फ्रीज और नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर चार्ट लगाता हूँ, इंसर्ट चार्ट। अब क्या है कि एक जैन का डेटा है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है कि ऐसा कुछ बनाना है माइक्रो कि जहां पे मैं इस जैन पे कर्सर ले जाऊं तो जैन आ जाए, फैब पे कर्सर ले जाऊं तो फैब आ, मार्च पे ले जाओ तो मार्च। जस्ट कर्सर ले जाने से इस बार सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि सिलेक्ट करते ही आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इस बार हम सिलेक्शन नहीं, जस्ट माउस पॉइंटर मतलब कर्सर उस पे जाना चाहिए। तो कैसे करें इसके लिए क्या सर? ओके, तो सबसे पहले हम चार्ट को यहां फिलहाल अलग कर चलते हैं यहां फंक्शन विजुअल बेसिक में। इस बार मुझे इवेंट नहीं, मुझे यहाँ पे करना होगा मॉड्यूल्स, मतलब कि हर चीज इवेंट चार्ट से नहीं हो, मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे FUNCEN फंक्शन फंक्शन, और फंक्शंस के अंदर में यहाँ पे फंक्शन नाम दे देता हूँ MM, और यहाँ पे करता हूँ N एज ए बाइट इंटीजर, जो करना है कर दिया हमने, फिलहाल बाइट ले लेता हूँ क्योंकि 1 2 3 4 5 है इसलिए बाइट बाइट कर लिया। और यहाँ पे इंटीजर्स ठीक है, और यहाँ सिंपल हम करते हैं कि ये आपका A17 है, क्या है A17, तो यहाँ पे लिखते हैं रेंज, यहाँ पे A17 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू N, सिंपल सा हमने कोड एक लाइन का कोड लिख दिया। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ अगर MM फॉर्मूला रन करके 1 देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी फॉर्मूला के जरिए आप किसी एक सेल के ऊपर टाइप नहीं करवा सकते। फॉर्मूला का काम क्या है? कैलकुलेशन का। क्या काम है फॉर्मूला का? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन करके जहां फॉर्मूला लगेगा वहां पे रिजल्ट देगा, वो किसी इवेंट को प्रोसीड नहीं करेगा, ये फॉर्मूला का रूल है। अरे ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपकी अगली क्लास फॉर्मूले की है, अगली टॉपिक। तो यहां ये चीज हमने गौर कर लिया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि बैकएंड में मेरा ये फॉर्मूला रन हो। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है हाइपर लिंक का। किसका है? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के अंदर MM करते हैं, और MM करने के बाद मैं यहाँ पे कॉलन का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए। तो कॉलन, क्योंकि B में लग रहा है तो यहाँ पे कॉलन 2 देगा, इसमें से -1 कर, ठीक है। अब एंटर मारने पे यस करता हूँ, ये भी एरर देगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे 1 टाइप हो गया, मैं यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही कर्सर ले जाऊंगा, नहीं हुआ, अच्छा एरर इसलिए, रुके कॉलम 1, और इसको हम लगते हैं इफ एरर में, और इफ एरर में यहां पे दे देते हैं जैन। यहाँ पे कर्सर जाते आ जाना चाहिए, A17 डॉट वैल्यू इक्वल टू एन एन एज ए बाइट MM कॉलम MM कॉलम -1। ये वर्क करता है लेकिन फीचर सिर्फ इस पे कर जाते हैं नीचे, ये सारा नहीं लगेगा इसमें,
भी आगा दे रहा है। अच्छा इसका आगे हम सीट का रेफरेंस लगाते हैं, C2.A1.Rank=L। अच्छा एन की जगह पे मैं यहाँ पे वन करता हूँ, एक बार करता हूँ मॉड्यूल को, ये होना चाहिए था सर, ये वर्क करता है, मैंने कई जगहों पे इसका वार्म किया हूँ बट ये वर्क नहीं कर रहा है। ये बड़ा कर्सर जाते दिख जाना चाहिए था इसका। अच्छा मैं यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे मैनुअली वन लिखता हूँ। हाँ आ गया सर, दिख गया सर, बट प्रॉब्लम है फिर वन यहाँ पे 2 3 4 5 देना तो मुश्किल हो जाएगा ना, हर बार मैनुअल देना पड़ेगा। ठीक क्या हो गया, इससे बंद से हो गए। ये बस सेव कर लेता हूँ, पता चले कि चला गया सारा कोडिंग। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोग्रामिंग में इसकी, और यहाँ पे एंड कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। और फिर इसके अंदर अब यहाँ पे 0 एक बार करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहे कर रहा है, मैं वर्क किया। वैसे डिजाइन मोड एक्टिवेटेड है, इसको ऑन कर दिया। अच्छा ये डिसेबल हो गया, जिसको दूसरे जगह पे बनाना चाहिए, नई फाइल में। ये फाइल ये अनकोड हुआ है ना, इस कारण से दिक्कत हो गई। अच्छा और जाते हैं विजुअल बेसिक में, इंसर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे करते हैं फंक्शन NM अंडरस्कोर NM ब्रैकेट में एन एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे करते हैं तो रेंज A17 डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, और यहां हमने वैल्यू कर रहा है 1 आ गया ना। अब इस पे हम हाइपर लिंक लगा इसमें लगाते हो फॉर्मूला इफ एरर का, और किस एरर में यहाँ पे देते हैं जय, सेव कर देता हूँ। चेकबुक 2 है, इसको मुझे जस्ट ड्रैग करना है यहाँ से, सब पे जाए है जाके यहाँ पे नंबर 2 कर देना है, और यहाँ पे 5 कर देना, ठीक है ना। ये जो जैन लिखा है उसको जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देना। और आगे तक ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे 5 की जगह पे मार्च
लेकिन ये जो नंबर यहाँ पे मैंने कॉलन माइनस वन लगाया था, ये तो सही था, लगना चाहिए था, ये भी लगता था, कॉलन माइनस वन ये भी चाहिए था। तो एक बार मैं यहाँ पे करूँ, तीन आना चाहिए, नहीं आ रहा, मार्च पे नहीं चल रहा है, तो मतलब ये कॉलन नहीं लेगा, यहाँ पे आपको मैन्युअली नंबर देना पड़ेगा, या किसी सेल पे लगा दीजिए, वहां से ले सकते हैं। और यहाँ एक काम करते हैं ना यहाँ, हाँ कोई बात नहीं, मैनुअली लिख देते हैं, आप इसके लिए कुछ और कर लीजिएगा, ठीक है। 14 यहाँ पे अप्रैल, और यहाँ पे मई, और यहाँ पे इसको कर दीजिए 3, 3 नहीं होगा, इसमें होगा आपका आ 4 5, यहाँ पे 5 5, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टर कॉमा छोड़ दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे जुलाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका अगस्त, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है सर। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इस पे कर्सर करता हूँ तो 2 आता है सर, 3 4 5 6 7, 7 आना चाहिए था, 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपका जैन, ये आपका फैब, ये आपका मार्च, अप्रैल, ये आपका मई, ये आपका, अच्छा मई के बाद जून था, शायद जून ने आज जुलाई दे दिया, गलत हो गया, जून ये हो जाएगा आपका जुलाई, ठीक है सर। अब इसको करते हैं सिलेक्ट और लगाते हैं फॉर्म चार्ट, चार्ट लगा दिया, और मैंने इसको पूरा कवर कर देता हूँ बढ़िया से। इसको यहाँ रखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको एक बटन का आकार देता हूँ, ठीक है। फिल इफेक्ट, इसमें हम 2 कलर ले लेते हैं, एक ये लेते हैं, लीजिए कौन सा बटन आपके लिए मैच कर रहा है, ये सही है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से वाइट, ये सही है ना सर। ये ठीक है ना, ओके और इस पे हम बॉर्डर लगाते हैं, बीच का से, बीच का बॉर्डर, ठीक है सर। और जैसे इसमें जैन का ओके कर्सर रखो, जैन, फेब, मार्च, मई, जून आ रहा है सर, ठीक है सर। ओके
अब बोलेंगे सर एक बटन का फॉर्म नहीं आया, ये तो बने बना लिया बट एक बटन का फॉर्मेट नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आ गया सर क्या, इसको मिडल कर दीजिए और इसको थोड़ा सा साइज दे दीजिए बड़ा, ठीक है। और ज्यादा करना है तो इंसर्ट में जाइए और यहाँ इलस्ट्रेशन में आइए और यहाँ से सेप्स ले लीजिए और सेप्स को इसके ऊपर डिजाइन कर दीजिए। और इसको कर दीजिए नो फिल, सॉरी यहाँ पे यहाँ से नो फिल। देखिए बॉर्डर जो है ठीक है सर, अब इस पे भी कर्सर जाएगा, जाना गया। तो वो तो डिजाइन के ऊपर करता है कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कीजिए प्रैक्टिस, कल इस पे डिस्कस करें।